नमस्कार, मैं महक वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। किंग जॉर्ज पंचम ने आज के दिन रखी थी विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला। प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 को कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी थी। 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल को औपचारिक रूप से जनता के लिए खोला गया था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और सुंदर स्मारकों में से एक है। इस स्मारक में विविध शिल्पकलाओं का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों पर सार्सेनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल में ब्रिटिश राजशाही के तमाम प्रतीकों का बड़ा संग्रह रखा गया है। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने आज के दिन किया था गिरफ्तार। वायसराय विलिंगडिंग के आदेश पर 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पुणे की येरवड़ा जेल में भेजा गया था। इससे पूर्व 31 दिसंबर को गांधी जी ने वायसराय से बातचीत के लिए समय मांगा था, लेकिन वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया था। परिणामतः गांधी जी ने 3 जनवरी को नागरिक अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर अगले दिन ही गांधी जी के साथ ही सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे जनता में आक्रोश की लहर फैल गई और कांग्रेस को अप्रत्याशित जन समर्थन मिला था। ब्रिटेन से आज के दिन बर्मा को मिली थी स्वतंत्रता। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उनकी नजर बर्मा पर पड़ी। नवंबर 1885 में हुए तीसरे आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद बर्मा ने पूरी तरह अपनी प्रभुसत्ता को खो दिया था और इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और बर्मा भारत के एक प्रदेश के रूप में ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया था। 1937 से ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत से अलग करके एक अलग उपनिवेश के रूप में वहां शासन करना शुरू कर दिया था। महान भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन का आज के दिन हुआ था जन्म। महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। न्यूटन के शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितज्ञ सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम की व्याख्या की गई थी। न्यूटन ने दर्शाया था कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति और आकाशीय पिंडों की गति का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के समान समुच्चय से हो सकता है। इसके लिए उन्होंने ग्रहों की गति के केपलर के नियमों और अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के बीच निरंतरता स्थापित की थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।